इस तरह क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो यह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री और पूछता है तो कौन थी, तो यह इंदिरा गांधी थी। और इसके दौरान नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, नेशनल आर्टिकल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, 1 किलो वाइट यानी केवी में कितनी बाइट होती हैं। तो यह 2024 बाइट होती हैं। और दोस्तों, अगर पूछता है कि 1024 किलो बाइट में कितनी MB होती हैं, तो 1 MB होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1024 MB में 1 GB होती हैं। तो इस तरह आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसे हम लोग लाहौर अधिवेशन के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था। भगत सिंह के अलावे इनके साथी का क्या नाम था। तो यह बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने यह बम फेंका था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके साथी कौन था, तो यह बटुकेश्वर दत्त थे। और नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो यह 1940 में, यानी में इसकी मांग की गई थी, 24 मार्च 1940 में इसकी मांग किसने की थी, तो मोहम्मद अली जीना के द्वारा इसकी मांग की थी। और इन पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू नेशन थ्योरी किसने दिया था, तो यह मोहम्मद अली जीना ने दिया था, दो देशों का सिद्धांत। और नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया है, और यह प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अमर सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और यह दोस्तों 1998 में इनको मिला था, और इनको भारत रत्न ही 1999 में मिल चुका है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, 1956 में विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था यह विधवा पुनर्विवाह कानून। और एक क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं कि सती प्रथा का किसके शासनकाल में यह खत्म की गई थी। तो यह विलियम बेंटिक के समय में इसको ख़त्म किया गया था, और यह उस समय गवर्नर थे विलियम बेंटिक, और यह राजा राम मोहन की द्वारा भी इनमें सहयोग दिया गया था। राजा राम मोहन द्वारा भी इन्होंने भी इसमें सहयोग दिया था, और उनके सहयोग से और विलियम बेंटिक ने इसको पूरी तरह से खात्मा किया, सती प्रथा। और विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा किसके प्रयासों से ख़त्म हुई थी, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से ख़त्म हुआ था, और इन्होंने अपने बेटे का विवाह एक विधवा स्त्री से करवाया था। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग के ने नवंबर 1958 में कहाँ 1858 में कहाँ अयोध्या दरबार में भारत के क्राउन शासन की घोषणा की, यानी क्राउन शासन जो पहले चूँकि शासन जो था वह कंपनी के हाथ कंपनी के माध्यम से चलती थी, जो 1600 में जो स्थापित हुई थी, और लेकिन 1858 के बाद 1858 में के बाद यह अंग्रेज़ों के हाथ में हुई थी। यह किस घोषणा के बाद हुई थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में जो जो घोषणा होती उसके बाद यह हुई थी। तो इस आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग पर और दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड जो कैनिंग था वो भारत का लॉर्ड जो कैनिंग था अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछता है कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायस राय पूछता है तो कौन था, तो यार लॉर्ड कैनिंग, या दोनों लॉर्ड कैनिंग ही था। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
क्योंकि यह अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है लॉर्ड वेवजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो यह हैदराबाद के निजाम जो था उसने किया था। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यह गोंड जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट जो थी और भारत की प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला थी अध्यक्ष। और नेक्स्ट है दोस्तों, शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों यह बटुकेश्वर दत्त के साथ यह असेंबली में बम फेंके थे, यह कब किए थे, तो यह 8 अप्रैल 1929 को 29 में इन्होंने बम फेंका था। और इनसे जुड़ी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फांसी की सज़ा सुनाई थी उस न्यायाधीश का क्या नाम था, इनको जो फांसी की सज़ा सुनाया गया था तो उस न्यायाधीश का क्या नाम था, तो इसका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसका नाम था जेसी हिल्टन इनका नाम था जो जिसने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी उसका। और नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ, तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत दो देशों में बट गया, पाकिस्तान और भारत। और नेक्स्ट है जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, किसकी हत्या की, यानी जनरल डायर की दोस्तों किसने हत्या कर दी थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने जितने भी वहाँ पर निर्दोष आदमी थे उस पर गोलियाँ चलवा दी थी, जो वहाँ में सभा आयोजित किया गया था अमृतसर में, वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। तो इसकी हत्या किसने की, यहाँ पे यह क्वेश्चन है, तो इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। और यह कब किए थे, तो यह 13 मार्च 1940 को लंदन में इसको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यह 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यह 24 भारत में हाईकोर्ट है, हाईकोर्टों की संख्या कितनी है, तो 24। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पूछता है अभी कौन है वर्तमान में, तो दीपक मिश्रा है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे जी वी मालवणकर थे, और वर्तमान में सुमित्रा महाजन है। और नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगर अस्थाई पूछता है, यहाँ पर दोस्तों अस्थाई दिया है, अगर अस्थाई पूछता है तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह केरला से संबंधित है। और भारत नृत्यम दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। यह जितने भी यह है, यह काफ़ी बार को जो एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, जैसे कि मोहिनीअट्टम, भारत नृत्यम, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरला के है। और केसर का उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है, तो यह जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुदेशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो यह दामोदर नदी पर किया गया है। और नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह बयोश्चर बनर्जी थे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, जो जवाहर नवोदय का, इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह बयोश्चर बनर्जी थे। और कांग्रेस के दोस्तों अगर स्थापना पूछता है, तो यह 1885 में, और यह एच ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
और नेक्स्ट है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को। और सुभाष चंद्र का राजनीतिक गुरु पूछता है तो यह चित्तरंजन दास थे। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको है, तो यह सुरक्षा परिषद की है। और इसमें जो दोस्तों इसकी सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट है मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यह 1995 में शुरू किया गया था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसने किसने लिखा है, तो यह अमार सोनार बांग्ला, और इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो यह बहलोल लोधी था जो इसका संस्थापक था दोस्तों। और किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 24 जो है 22 जो संशोधन हुए थे उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है, यानी जब गोताखोर पानी के अंदर जाता है तो गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो में सिलेंडर के अंदर तो यह होती है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है, होम्योपैथी का तो हनीमैन को माना जाता है। और नेक्स्ट है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है, तो एथिलीन जो होती है फलों को पकाने में सहायक होती है। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो यह चैत्र जो होता है इसका पहला माह होता है। और यह भी देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो यह बांसुरी बजाते हैं। अभी काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का तो यह 30 वर्ष होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूछता है तो यह 35 वर्ष होना चाहिए उम्र। और नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह कर्नाटक का है। और नेक्स्ट है मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है, तो यह भारतीय और चीन के बीच यह बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद न प्याज में खाद का कौन कौन होता है, यानी जो प्याज होती है उसमें हम कौन सा भाग उसको उसका खा सकते हैं, तो यह दोस्तों ताना है। और नेक्स्ट है श्रवण परिसरण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी हमारे सुनने की क्षमता कितनी होती है, जो जो हम ध्वनि सुन सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो यह बिहार की है। अभी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, तो इसे गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो यह नीलम सजीव रेड्डी थे, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा में कौन सी नदियाँ बनाती है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं यह डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया है, और आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।